ऋषिकेश के 7 मोड़ों पे पहुंच गए हैं। थोड़ी ज्यादा थोड़ा सा। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से निकल चुके हैं एक और जगह पे जिसका नाम है ऋषिकेश। तो हम लोग जा रहे हैं योग नगरी ऋषिकेश, जिसको तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो फिलहाल अभी तो टोल प्लाजा की ओर चल रहा हूँ। भाई बारिश देखो यार, क्या भयंकर बारिश हो रही है। आपने एक वीडियो तो देखी होगी 3-4-5 दिन पहले की, एक ट्रक यहाँ डोई वाले के टोल प्लाजा में ठोका था। ये सामने पे है वो ट्रक जो मेरे राइट साइड पे दिख रहा है। देखो भाई, ये है वो ट्रक, और सामने पे ये जो तीसरा वाला है जहाँ लाल लाल कलर की लाइट जल रही है, ये वाला है। क्या बात है, हमें साइड कर दिया इन्होंने। हमारा एक कॉन्वॉय चल रहा है अपना अलग। चलो भाई, ये देखो भाई नदी का बहाव कितना। पिछली बार जब टिहरी के ले गए थे ना, ये नदी बिल्कुल सूखी पड़ी थी। आप देखो बरसात के बाद भाई क्या पानी है। ये वही जगह है पिछली बार जहाँ से हम लेफ्ट गए थे नरेंद्रनगर टिहरी डैम के लिए, पर इस बार हमें जाना है सीधे आगे के लिए। भाई कहाँ आ रहा है यार तू? आ राठौर, अब कहाँ मुड़ना है? राठौर को हमसे 50 मीटर का ज़्यादा एक्सपीरियंस है। पिछली बार का यहाँ तक आया था राठौर, इस बोर्ड तक। ये ऐसी ढलान मिलती रहे ना, है ना बंदर? मतलब इस मोड पे मैं जब भी आऊँ ना बंदर मिलते हैं। स्पीड ज़्यादा हो रही है, एक हाथ से कंट्रोल करना मुश्किल। रोड अभी तक गीली है पता है यहाँ पर। ऋषिकेश हम पहुंच गए हैं। अबे यार हो क्या रहा? नहीं हो रहा भाई, थोड़ी देर में मिलता हूँ तुम्हें, रुको। चलो भाई राम झूला के अंदर एंटर करते हुए। बहुत भीड़ है यार, मतलब भीड़ तो उतनी नहीं है पर रस है। एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है, एक हाथ से साइकिल कैसे चलाएं। पहले ना मैं सोच रहा मंदिर चलते हैं, वैसे भी मंगलवार लेफ्ट साइड में एक मंदिर देखा था, है ना। चलो वहीं चलते हैं मंदिर, तब करेंगे मस्ती तो होती रहेगी बाद में। श्री प्राचीन हनुमान मंदिर, जय श्री राम। भैया थोड़ा साइड अंटी जी। ये ले गया, ये आई नहीं रहा ऊपर तब से, इसको बोलो पोज मार रहा था। यार अभी इतना अच्छा लोकेशन मिला था ना, पर अंकल ने पूरा मजा किरकिरा कर दिया है। अंकल बोल रहे साइकिल मत ले जाओ क्योंकि बाइक वाले ले जाएंगे तुम्हें। देख ले जाएंगे नीचे, आगे कैसे ले जाएंगे? हम तो बड़ा राइडर है कोई ना, हम होते बाइक में तब अलग बात थी। मैं एक मस्त चीज दिखाऊं, ये देखो क्या है। मेरी साइकिल की वाट लगा रहे हैं और मुझे आवाज़ सुन रहे होंगे आप, मैं तकलीफ हो रही है अभी, ये थोड़ी ज़्यादा लगा रही है। तो गाइस फाइनली बहुत देर बाद ना हम स्विमिंग करने आ गए, स्विमिंग बोल रहा, गंगा स्नान करने आ गए। मैं अभी भीगा नहीं, मेरे को मत भीगा। मछली बन
चलो भाई अब यहाँ घाट से ऊपर की ओर प्रस्थान करते हुए ऊपर की ओर। भाई साहब आप लोग बोल रहे होंगे ये कहाँ आ गया मैं। हम लोग ऋषिकेश से नहाने के बाद भाई मेरी तो हो गई थी सही में हालत ख़राब बात। मेरे को ऐसा लग रहा मैं बीमार हो गया, तो इसलिए हम आए थानों के रास्ते थोड़ा ढलान पाने के लिए। अब यहाँ से हम थोड़ा बहुत ढलान है यहाँ तक, पर यहाँ तक भी आने के लिए थोड़ा बहुत चढ़ाई है हमने। बैलेंसिंग देखो ना कितना मस्त बैग बांध रहा है पूरा भरा, तब भी बिना हाथ छोड़े चल रहा हूँ, पर मोड़ पे तो हाथ रखना ही पड़ेगा। यहाँ हरे कलर के विक्रम चलते हैं क्या? वाह यार क्या मस्त नदी बह रही है यहाँ पर। पहली ऑफ रोडिंग मिली है। और तेज लेफ्ट। चल डूब गया, चल निकल जाएगी। जा रहे हमारे पवार जी, शाबाश ले जा। यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। आते हैं ना जब साइकिल से आया ना, तुमने वीडियो तो देखी, ये देखो भाई पैर लग गया लास्ट में पत्थर पे अटका ना। मेन रोड पे पहुंच गया। अच्छा ये थी वो रोड जो टूट गई साइड से, तभी वहाँ बोर्ड पे लिखा था बरसात के समय पुल पार ना करें। हाँ पहले रोड थी कि ब्रिज था वो? पहले रोड थी, अब ब्रिज था, अभी टूट गया ब्रिज। अच्छा चलो मेन रोड पे पहुँच गए। कोई नहीं ब्रिज टूटा उसके साथ में। ये देखो जेसीबी रास्ता बनाने के लिए चले गया, अब ये बनाएगा रास्ता वहाँ। भाई हम दे बारिश का आनंद। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। बहुत तगड़ी बारिश हो गई है और बारिश में ये मरीज साइकिलिंग कर रहे हैं। और ये देखिए कितनी भयंकर बारिश हो रही है। तो देखिए गाय ये अमन है, ये हमारी साइकिल है और यहाँ बारिश हो रही है। दीपावार जी कैसा लग रहा है बारिश में? मजा सा आ रहा, दिल गार्डनिंग से हो गया है ये क्या काम। तो मेरा कैमरा ऑफ था क्योंकि बारिश हो रही थी। फिलहाल तो अभी आइस बीटे पहुंच गए, इन सबको तो मैं बाय बाय करता हूं। अगर बारिश तो नहीं यार यहां पे तो यहां देखो यार बारिश से एक नामो निशान है। अगर मैं ब्लॉग कंटिन्यू करता हूं तो तुम आगे देखोगे ना, तो यहीं पे ब्लॉग मैं एंड कर दूंगा। चलो एंड कर यार।